हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए। हम लोग ने एसपी में चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग एसपी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, चैप्टर नंबर 3 इज़ अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब एज़ यूजुअल, जब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो मैं पहले आपको उसका एक बैकग्राउंड देता हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्लीज़ फोकस ऑन द स्क्रीन। चैप्टर नंबर थ्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? एज यूजुअल, हम लोग चैप्टर नंबर थ्री के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी दैट कैन बी फॉर्म्ड। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोटर एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कौन से प्रकार की कंपनियां फॉर्म की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोटर्स। देन हम लोग देखेंगे स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ये पूरे चैप्टर का हार्ट है। हार्ट माने दिल, पूरा चैप्टर इसी के अंदर बसा हुआ है। अब कंपनी फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके अंदर, कि कितनी कंडीशंस होती है, कोई भी कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हमें फुलफिल करनी होती है। उसके बाद कंपनी फॉर्म करने के लिए कितने स्टेजेस होते हैं, बेसिकली कंपनी फॉर्म करने के लिए तीन स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है प्रमोशन, कंपनी का प्रमोशन करना होता है। उसके बाद कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने वाला स्टेज। ये है तीन स्टेज कंपनी के फॉर्मेशन के अंदर। लेकिन प्रमोशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रमोटर्स और प्रमोशन के कौन से स्टेप्स हैं। प्रमोशन के अंदर हम पढ़ेंगे प्रमोटर्स के बारे में एंड प्रमोशन के अंदर कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनकॉर्पोरेशन के कितने स्टेप्स हैं वो देखेंगे। और एक फॉर्म आता है स्पाइस फॉर्म, उसके बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिन यानी कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलो या कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलो, उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। बट लास्ट नॉट द लिस्ट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर हम पहले ये समझेंगे कि किन कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्राप्त करना होता है, कौन सी कंपनियां हैं जिसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्राप्त करना पड़ेगा। एंड उसके प्राप्त करने के लिए उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि वी विल स्टार्ट एट द इंट्रोडक्शन एंड वी विल एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला टॉपिक। आई एम स्टार्टिंग नाउ विद द इंट्रोडक्शन वाला पार्ट के अंदर प्लीज़ फोकस ऑन द स्क्रीन। हम सबको पता है कि कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी जो होती है वो। कैसा होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मतलब जिसे लॉ के माध्यम से क्रिएट किया गया है, कानून के चलते हुए हमें उसे क्रिएट किया है, मतलब रियल पर्सन नहीं है वो। इट इज़ अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इन विच केस कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आती है? व्हेन डज अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस? कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस जब हम कंपनी को रजिस्टर करते हैं। वो रजिस्टर कैसे होंगे? बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर्स लेड डाउन इन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनी के कानून के अंदर जो भी प्रोसीजर दिया गया है उसे सही तरीके से फॉलो करने के बाद, हम कंपनी को रजिस्टर करेंगे तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी। सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे या इनकॉर्पोरेट करेंगे किसके पास जाके। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कंपनी को रजिस्टर करना या इनकॉर्पोरेट करना, दोनों एक ही मतलब है, रजिस्टर बोलो या इनकॉर्पोरेट बोलो। लेकिन सर, रजिस्टर और इनकॉर्पोरेट कहाँ करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके। रजिस्ट्रार और कंपनी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? आर ओ सी। क्या बोलेंगे? आर ओ सी। सर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या होता है?
ये वो पर्सन है जिसे कानून ने अपॉइंट किया है। कानून माने MCA, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जिसको अपॉइंट किया है कंपनी को, कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए जिसको अपॉइंट किया गया है उसे हम क्या बोलेंगे, ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, जब आप अपनी कंपनी को ROC के पास जाके रजिस्टर करवाते हो, जब आप ROC के पास जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हो, और वो भी कौन से ROC के पास जाके, ROC भी वो स्टेट का होना चाहिए जहां आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या होता है, हेड ऑफिस, जहां आपकी कंपनी का हेड ऑफिस सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी का हेड ऑफिस है महाराष्ट्र में, अगर आपकी कंपनी का हेड ऑफिस है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के अंदर भी कहां पे, मुंबई में, तो आपको मुंबई के ROC के पास जाके आपकी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ओके, आपको मुंबई की ROC के पास जाके अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सो वंस अगेन रिपीटिंग, कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसे लॉ ने क्रिएट किया है, कानून ने क्रिएट किया है। सेकेंड पॉइंट उसमें क्या था, कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आती है, कब आती है कंपनी एग्जिस्टेंस में, जब उसे हम लोग कंपनीज एक्ट में दिए गए प्रोसीजर के द्वारा रजिस्टर करवाते हैं तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है जब आप अपनी कंपनी को, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, जब आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो ROC के पास जाके, ROC के पास जाके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके, और वो भी कौन सा ROC, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस स्टेट के ROC के पास जाके जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हो तो आपकी कंपनी फॉर्म होती है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड थे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो पर्सन है जिसे कंपनी, कंपनी के रक्षक, दैट इज MCA, कंपनी का रक्षक कौन होता है, मेन मतलब सारी कंपनियों का जो लीडर होता है वो MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं कंपनी की रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ओके, एंड दूसरा वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट था वो था रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब आपका कंपनी का मेन ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रमोटर्स, प्रमोटर के बेसिस पे कौन सी कंपनी फॉर्म की जाती है। अगर आपकी कंपनी में 7 प्रमोटर है, कितने प्रमोटर है, मिनिमम 7, तो आप पब्लिक कंपनी बनाओगे, पब्लिक कंपनी, उसके लिए क्या बोला गया है, मिनिमम सात लोग। इन विच केस नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्राइवेट कंपनी, उसमें क्या बोला गया है, इफ़ यू कैन सी मिनिमम क्या बोला गया है, 2 प्रमोटर और 1% कंपनी, मिनिमम 1 प्रमोटर, 1% कंपनी के लिए मिनिमम 1 प्रमोटर। सर ये प्रमोटर क्या होता है, अभी के लिए आप ये समझिए कि प्रमोटर जो होता है वो एक पर्सन है, प्रमोटर इज़ अ पर्सन हु अंडरटेक्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी फॉर्म करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उस, वो प्रोसेस जो बंदा करता है, मतलब जो भी व्यक्ति कंपनी का फॉर्मेशन करता है या फिर जो भी पर्सन कंपनी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को फुलफिल करता है उसे प्रमोटर कहा जाता है। ओके, अभी के लिए आप प्रमोटर का मतलब इतना समझें क्योंकि आगे जाके प्रमोटर के ऊपर एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आने वाला है, तब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ प्रमोटर क्या होता है। टिल नाउ प्रमोटर इज अ पर्सन जो कंपनी का फॉर्मेशन के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है। इन विच केस अब आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में देखा था, तो अभी आपको ये याद आना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सी कंपनियाँ होती है। तो पहली कौन सी है अपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये वो कंपनी होती है जो शेयर्स इशू करके अपना पैसा इकट्ठा करती है, शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा करती है, मतलब कैपिटल जमा करती है। और इस कंपनी में जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। इस कंपनी में जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। सर कितनी लिमिट होती है, जितना उनका पैसा पे करना बाकी है। सपोज किसी मेंबर ने 10 रुपये का एक शेयर लिया,
₹10 का एक शेयर लिया और उसने एक शेयर का ₹8 पे किया है। शेयर था कितने का? ₹10 का, बट उसने ₹8 ही पे किया है, तो ₹2 अभी भी बाकी है। तो उस पर्सन की लायबिलिटी सिर्फ ₹2 है, समझ रहा है? मतलब इन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना। कंपनी ऐसी कंपनी जो कैपिटल कलेक्ट करती है, कैसे? इशूइंग शेयर्स। और इनकी लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू। मतलब जितना भी फेस वैल्यू में तुम्हारा पैसा देना बाकी है, उतना ही आपकी लायबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे 10 का शेयर था और अगर 8 ही पेड है, कितना पेड है? 8, तो ₹2 जो है वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। ₹2 जो होगी वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड नाउ, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है कि इन दिस केस जो कंपनी की, जो कंपनी में कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती है, कंपनी शेयर्स इशू करके पैसा नहीं इकट्ठा करती है, लेकिन जब कंपनी बंद होगी तब जो भी मेंबर्स है वो लोग पहले से डिसाइड करते हैं कि जब भी कंपनी बंद होगी तो हम सो एंड सो अमाउंट सब लोग मिलके निकालेंगे और कंपनी की जो भी लायबिलिटी है वो पूरी कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मेंबर्स का जो मेंबर्स हैव गारंटेड टू कंट्रीब्यूट अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। मेंबर्स क्या करते हैं, मेंबर्स ने गारंटी दी है टू कंट्रीब्यूट सर्टन अमाउंट ऑफ मनी टू द असेट ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप ऑफ द मतलब क्या, जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेट होगी। जब कंपनी बंद होगी तब जो भी पैसे का रिक्वायरमेंट रहेगा तब मेंबर्स लोग क्या करेंगे, डिसाइडेड अमाउंट को इकट्ठा करेंगे। ओके, इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी की बात की गई है। मतलब यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड। मतलब जो भी कंपनी का पैसा बाकी है वो मेंबर्स को पूरा पे करना पड़ेगा, ठीक है? मेंबर्स हैव टू पे फुल अमाउंट। इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड, अब हम नेक्स्ट टॉपिक, मतलब अपन चैप्टर के क्रक्स में जा रहे हैं, अब वी आर स्टार्टिंग फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अब कंपनी फॉर्म करने के लिए कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, हाउ मेनी स्टेजेस। सबसे पहला स्टेज है प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सबसे पहला स्टेप है प्रमोशन ऑफ द कंपनी, फिर इनकॉर्पोरेशन और फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इन विच केस कुछ कंडीशंस है, कंपनी जब भी फॉर्म करनी होती है, कंपनी फॉर्म करने के लिए कुछ कंडीशन है। मतलब आप जो कंपनी बना रहे हो वो लॉफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कंडीशन किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सर क्या कंडीशन है, आप जो कंपनी बना रहे हो वो लॉफुल पर्पस के लिए बनाओ। लॉफुल पर्पस मतलब क्या, यू कैन नॉट मेक अ कंपनी टू डू अ बिजनेस ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़। इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं चलेगा सर, जैसे कि ड्रग्स बेचना, फिर ये एम्यूनेशन मतलब अपना बंदूक गन्स वगैरह बेचना, ये सब बिजनेस नहीं चलेगा। फिर हर कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 प्रमोटर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 प्रमोटर होने चाहिए और 1% कंपनी में 1 प्रमोटर होना चाहिए। ये कंडीशन है कि अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो आपकी कंपनी में 7 प्रमोटर तो मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम मतलब कम से कम। इन विच केस सारे प्रमोटर्स, जितने भी प्रमोटर हैं, उन्होंने MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करना चाहिए। दे शुड सब्सक्राइब देयर नेम्स टू MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का। ये जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का। इसमें कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई जा रही है, कितना कैपिटल कंपनी लेने वाली है, ठीक है, ये सब की डिटेल्स इस मेमोरेंडम में लिखी, इस डॉक्यूमेंट में लिखी रहेगी। इसको हम प्यार से मऊआ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मऊआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, सारे प्रमोटर्स ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर नेक्स्ट, सारे प्रमोटर्स, जितने भी प्रमोटर रहेंगे ना, उन्होंने क्या करना चाहिए, कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोविजंस है फॉर्मेशन को लेके, इनकॉर्पोरेशन मतलब फॉर्मेशन ही होता है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन को लेके जितने भी प्रोविजंस माने रूल्स, वो सब फॉलो करने, कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो। तो जितने भी प्रमोटर्स हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, फॉर्मेशन को लेके जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी रूल्स हैं, सर ये रूल्स कहाँ पे होंगे, कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स हैं वो सारे फॉलो करने चाहिए।
कंप्लाई करने चाहिए, ठीक है। सो कंडीशन, सबसे पहला लॉफुल पर्पस के लिए ही कंपनी बन सकती है। दूसरा क्या बोला गया है, अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम 7 प्रमोटर लगेंगे, प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम 2 लगेंगे प्रमोटर्स, एंड 1% कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम 1 प्रमोटर तो लगेगा। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया था यहाँ पे, एकदम सिंपल सी बात थी कि जितने भी प्रमोटर हैं उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मऊआ को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट, जितने भी प्रमोटर्स हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेशन को लेके जितने भी प्रोविजंस है सबको फॉलो करना चाहिए। सर, इनकॉर्पोरेशन को लेके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? हम ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन तो है, प्रमोशन करना, फिर इनकॉर्पोरेशन करना, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इनके अंदर जो भी रूल्स दिए गए हैं वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। सर, इनके अंदर भी रूल्स है? यस। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द प्रमोशन ऑफ कंपनी। प्रमोशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है? सबसे पहला स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, पहला स्टेप प्रमोशन है, ठीक है। कंपनी को फॉर्म करने के लिए पहला स्टेप क्या, प्रमोशन। प्रमोशन में क्या बोला गया है, प्रमोशन में यही बोला गया है कि आपको सारे स्टेप्स, जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है, एज पर कंपनी लॉ, ठीक है, उसे प्रमोशन कहते हैं। मतलब कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो भी स्टेप आपको लेना पड़ेगा एज पर कंपनी लॉ, उसे प्रमोशन कहेंगे, ठीक है। रीडिंग वंस अगेन, प्रमोशन ऑफ कंपनी मीन्स टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे एज पर कंपनी लॉ, उसे प्रमोशन माना जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, प्रमोटर का मतलब क्या होता है, प्रमोटर का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा था कि प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रमोशन का प्रोसेस अंडरटेक करेगा। मतलब ये जो प्रमोशन के अंदर जो भी स्टेप्स रहेंगे, जो भी व्यक्ति वो स्टेप्स फॉलो करता है उसे प्रमोटर माना जाएगा, ऐसा कहा गया है। द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ कंपनी इज कॉल्ड एज प्रमोटर। मतलब जो भी व्यक्ति कंपनी को प्रमोट करने का कार्य हाथ में लेता है उसे प्रमोटर माना जाएगा। ये जो मीनिंग है ना, ये सिर्फ एक आई वुड से लेमैन मीनिंग है। लेमैन मतलब क्या, आम मीनिंग है, सिंपल मीनिंग है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है वो हम आगे समझेंगे। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सर प्रमोटर, जैसे डायरेक्टर के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सेक्रेटरी के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एन इंडिविजुअल कैन बी ए सेक्रेटरी, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी ए सेक्रेटरी। तो सर, प्रमोटर भी इंडिविजुअली बन सकता है क्या? मतलब क्या एक पर्सन, एक जीता जाता इंसान ही प्रमोटर बन सकता है? ऐसा नहीं है, प्रमोटर एक इंडिविजुअल भी बन सकता है। मतलब आप, मैं, हम सब प्रमोटर बन सकते हैं। प्रमोटर एक पार्टनरशिप फर्म भी बन सकती है। मतलब आपने और आपके दो दोस्तों ने मिलके एक फर्म खोली सपोज, ठीक है, और वो फर्म किसी कंपनी का प्रमोटर बन सकती है? यस, बन सकती है। एक कंपनी भी प्रमोटर बन सकती है, एक कंपनी भी किसी कंपनी की प्रमोटर बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कल उठ के एक कंपनी बनाई और आपकी कंपनी दूसरे कंपनी की प्रमोटर बन सकती है कि नहीं? यस, बन सकती है, ठीक है। एक एसोसिएशन एंड और सिंडिकेट, मतलब सर इन शॉर्ट कौन कौन प्रमोटर बन सकता है? इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एंड क्या बोला गया, एसोसिएशन और सिंडिकेट। मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो लोग भी क्या कर सकते हैं, प्रमोटर बन सकते हैं। सर, ये सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? आपने ट्रेड यूनियन सुना है, वो भी एक सिंडिकेट है। ग्रुप ऑफ पीपल, जो वर्कर लोग होते हैं वो लोग सब का एक ग्रुप होता है, उनका लीडर जो होता है वो ट्रेड यूनियन का लीडर कहा जाता है, ठीक है। सो ये एक सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, ट्रेड यूनियन की तरह, ठीक है, जो ग्रुप में आते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है। ओके, सो प्रमोटर का मतलब अभी के लिए क्या है, वो व्यक्ति जो प्रमोशन का काम करता है। लेकिन कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, प्रमोटर कौन, किसे हम प्रमोटर मानेंगे, कंपनीज एक्ट बोलते हैं हम उस व्यक्ति को प्रमोटर मानेंगे जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है या फिर एनुअल रिटर्न में है। हम उसे प्रमोटर मानेंगे जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में दिया गया है एज अ प्रमोटर,
सर ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे हम लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग पैम्पलेट इशू करते हैं। वैसे जब कंपनी स्टार्ट होती है, ठीक है, कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो भी अपना अपना एक एडवर्टाइजमेंट इशू करती है। तो एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं कंपनी की भाषा में? प्रोस्पेक्टस को। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की पूरी बैकग्राउंड नॉलेज होती, पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपने भी जब कॉलेज में एडमिशन लिया रहेगा तो आपके कॉलेज से भी आपको एक प्रोस्पेक्टस मिला रहेगा, उसमें कॉलेज की पूरी जानकारी होती है। सर एनुअल रिटर्न क्या होता है? एनुअल रिटर्न मतलब क्या, पूरे साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, क्या क्या चेंजेस हुआ, ठीक है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। ओनरशिप पैटर्न को लेके कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या नहीं है, मतलब कंपनी में क्या क्या चेंजेस हुए पूरे साल में, वो एनुअल रिटर्न में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, सबसे पहले क्या बोलता है कि हम उसे मानेंगे प्रमोटर जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न में एज अ प्रमोटर दिया गया है। नेक्स्ट क्या बोलता है कंपनी लॉ नेक्स्ट बोलता है कि हम उस व्यक्ति को प्रमोटर मानेंगे जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है। सर अफेयर्स को कंट्रोल करता है मतलब कंपनी में जो डे टू डे काम होते हैं, कंपनी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसे कंट्रोल करने वाला व्यक्ति, ओके, उसे कंट्रोल करने वाला व्यक्ति को हम क्या मानेंगे, प्रमोटर। जैसे कि शेयर होल्डर हो गया, डायरेक्टर हो गया या फिर और कोई पर्सन, ठीक है, मतलब जो भी पर्सन कंपनी में क्या कर रहा है, कंट्रोल रखता है। कंट्रोल मतलब क्या, डिसीजंस पे इम्पैक्ट करने वाला व्यक्ति, कंपनी की डिसीजंस पे इम्पैक्ट करने वाला व्यक्ति। और तीसरा क्या बोला गया है, हम उस पर्सन को प्रमोटर मानेंगे जिसके एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शन पे या जिसके इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब अगर एक कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, अगर वो डायरेक्टर किसी के कहने पे काम कर रहे हैं, सपोज कोई एक रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर्स मेरे कहने पे डिसीजन लेते हैं, मैं जो बोलता हूँ वैसा ही काम कर रहे हैं, तो मैं प्रमोटर माना जाऊँगा, समझ रहे हो, क्योंकि उस कंपनी के डायरेक्टर्स मेरे एडवाइस पे या मेरे डायरेक्शन पे या मेरे इंस्ट्रक्शन पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, समझा आपको। तो तीन व्यक्ति को प्रमोटर मानेंगे एज पर कंपनीज एक्ट। पहला जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में एज अ प्रमोटर दिया गया है। दूसरा जो कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है। एंड तीसरा क्या बोला गया है, जिसके कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस व्यक्ति को प्रमोटर नहीं मानेंगे जो प्रमोटर की प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ या मैं एक लॉयर हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कंपनी के प्रमोटर को हेल्प किया, कंपनी फॉर्म करने के लिए मैंने हेल्प किया, जैसे कि मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने में मैंने हेल्प किया। तो मैंने तो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी एज अ लॉयर मैंने प्रमोटर की हेल्प की है, तो मैं प्रमोटर नहीं माना जाऊंगा, जो प्रमोटर है वही प्रमोटर माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम रीडिंग वंस अगेन। अ पर्सन हु असिस्ट का मतलब होता है हेल्प। एक ऐसा व्यक्ति जो हेल्प कर रहा है किसको, प्रमोटर को, इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब मैं लॉयर की कैपेसिटी में प्रमोटर की मदद कर रहा था, तो मैं प्रमोटर नहीं माना जाऊंगा, समझा? ओके, सो ये था प्रमोटर का डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, सर प्रमोटर का रोल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, प्रमोटर जो होता है वो क्या करता है, बिजनेस की आइडिया लेके आता है, आइडिया उसके पास होती है, ओके, ही कम्स अप विद द आइडिया ऑफ बिजनेस। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि वो डिसाइड करता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कितना कैपिटल लगेगा, कि कौन से स्केल पे बिजनेस करना है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, ओके, बड़ा बिजनेस करना है, छोटा बिजनेस करना है, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या है, आइडिया लेके आएगा वो। दूसरा क्या बोला गया है, वो ऑब्जेक्ट, कैपिटल और स्केल डिसाइड करता है। एंड तीसरा क्या बोला गया है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि मऊआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड दूसरा नया डॉक्यूमेंट आपके लिए अभी आ रहा है, वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट इज अवा।
मऊआ जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, वो कंपनी का क्या होता है, कंपनी का ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी का ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं वो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। सर हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बराबर से समझा नहीं है, डोंट वरी, चैप्टर नंबर 4 पूरा इनके ऊपर ही है, चैप्टर नंबर 4 पूरा इनके ऊपर है। सो अभी के लिए आप इतना समझ के चलिए कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के। नेक्स्ट सर, प्रमोटर और क्या करते हैं, वो लोग है ना इन्वेस्टर के पास जाते हैं और कैपिटल मांगते हैं, दे गो टू द इन्वेस्टर एंड आस्क कैपिटल। सर फिर नेक्स्ट वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, प्रमोटर क्या करते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, और जनरली वो अपने आप को क्या करते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट करते हैं। देखो फर्स्ट डायरेक्टर कौन चूज करेगा, प्रमोटर ही करता है, लेकिन जनरली क्या होता है, वो अपने आप को ही फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करता है। इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड सर वो और क्या करता है, वो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं, ही एंटर्स इन टू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। सर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कंपनी स्टार्ट होने के पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, कंपनी स्टार्ट करने के पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसे प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि अभी तक कंपनी बनी नहीं है, बनने वाली है, ठीक है, उसके पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसे क्या कहेंगे, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। सर ये एग्जाम्पल दीजिए ना, अभी सपोज मैं एक कंपनी का प्रमोटर हूँ, अब कंपनी मुझे स्टार्ट करनी है तो मुझे जगह तो ढूंढनी पड़ेगी, तो जगह के लिए मैं कोई ना कोई जगह भाड़े पे लूँगा या खरीदूँगा, तो उसके लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा, अग्रीमेंट वगैरह करना पड़ेगा। तो ये जो अग्रीमेंट होता है जगह के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो प्रीमाइज लेना, फिर आर्टिकल्स और मेमोरेंडम बनाने का वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मतलब मैंने लॉयर की मदद ली आर्टिकल बनाने के लिए, मेमोरेंडम बनाने के लिए, तो मेरे और लॉयर के बीच में कुछ तो एग्रीमेंट हुआ रहेगा, क्या आप मुझे इतनी फीस देना वगैरह वगैरह। तो ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ओनली अ प्रमोटर कैन एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। और फिर जो प्रमोटर होता है उसकी फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है, उसकी फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है, फिड्यूशियरी ड्यूटी का मतलब होता है कि उसे गुड फेथ में काम करना चाहिए, उसे कंपनी के हित में, कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, अपने स्वार्थ में, या उसने कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं जमा करना चाहिए, ही शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट्स एंड प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। प्रपोज्ड कंपनी का मतलब क्या होता है, प्रपोज्ड कंपनी का मतलब होता है होने वाली कंपनी, बनने वाली कंपनी, अब तक बनी नहीं है, बनने वाली है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो प्रमोटर होता है उसे अपना पर्सनल इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना चाहिए, ही शुड डिस्क्लोज हिज पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब उसे कोई भी ट्रांजैक्शन से कहीं से भी फायदा होने वाला होता है तो उसे पहले बता देना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंपनी जब बन जाती है इनकॉर्पोरेशन के बाद में क्या होता है, प्रमोटर ने जो भी खर्चे किए हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी खर्चे प्रमोटर ने किए हैं वो कंपनी बनने के बाद कंपनी प्रमोटर को रीइंबर्स कर देती है, प्रमोटर को रीइंबर्स मतलब वापस से रिटर्न करती है। और एक बार कंपनी बन जाती है तब जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी का मैनेजमेंट हाथ में ले लेते हैं, कंपनी बनने के बाद कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर हाथ में ले लेते हैं। ओके सो स्टार्टिंग विद द स्टेप्स इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो प्रमोटर होता है वो बिजनेस आइडिया के साथ आता है, ही ब्रिंग्स अप विद द आइडिया ऑफ बिजनेस, फिर वो फाइनेंशियल प्लान बनाता है और फिर वो मऊआ और औआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करता है मतलब बनाता है, और फिर वो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। सो नाउ वन बाय वन लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स। अब क्या होता है, सबसे पहले वो एक आइडिया लेके आता है बिजनेस की, कि भाई कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है, कौन सा, अभी कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो बिजनेस तो करना है ना बाबा, तो वो एक आइडिया लेके आता है कि कौन सा बिजनेस करना है। अब वो आइडिया कैसे लेके आता है, पहले तो वो क्या करता है, स्टडी करता है कि भाई जो मैं बिजनेस सोच रहा हूँ करने की क्या उसका स्कोप है कि नहीं है, मार्केट में उसकी कितनी कॉम्पिटिशन है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या सोचता है वो, कि मेरे पास कितना रिसोर्सेस है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रिसोर्सेस
मतलब मेरे पास कितना, मेरे पास क्या मेरे पास लेबर है, क्या मेरे पास लैंड है, वगैरह वगैरह। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो क्या सोचता है कि जो बिजनेस में करना करने की सोच रहा हो उसके ऊपर कौन से लॉ एप्लीकेबल रहेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस वो अपना फाइनेंशियल प्लान बनाता है। फिर अब देखो फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएगा वो, क्या करता है वो सोचता है कि भाई मुझे कौन से स्केल पे बिजनेस करना है, कौन से स्केल पे बिजनेस करना है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। फिर वो सोचता है कि इसके लिए मुझे कितना पैसा लगेगा, मतलब कितना अमाउंट लगेगा, हाउ मच मनी विल आई नीड टू डू द बिजनेस। अब वो क्या सोचेगा कि मैं ये पैसा कहाँ से लाऊँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लान। पहला पॉइंट क्या था कि वो आइडिया लेके आएगा, फिर वो फाइनेंशियल प्लान बनाएगा। फाइनेंशियल प्लान बनाने के बाद वो क्या सोचता है कि वो क्या बनाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो डॉक्यूमेंट कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। तो जो प्रमोटर रहेगा वो क्या करेगा, वो ये इन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करेगा। और ड्राफ्ट करने के बाद जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो जब उसका एप्लीकेशन भरेंगे तो एप्लीकेशन के साथ साथ हमें ये दो डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं ROC को। आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने किसके पास जाओगे, ROC के पास। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे किसको, ROC को। मूविंग फॉरवर्ड, फिर वो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कंपनी बनने के पहले प्रमोटर जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है उसे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है सर, क्यों करते हैं, सो दैट कि हम थोड़ा बहुत बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करें। अभी हमने कंपनी बनाने का सोचा है तो हम क्या करेंगे कि भाई कंपनी बनने को तो टाइम लगेगा, बट उसके पहले मैं कुछ काम तो करके रखूं, सो दैट जब कंपनी बन जाएगी तो मेरा बिजनेस फटाफट स्टार्ट हो जाए। इन विच केस फिर वो क्या करता है, अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है कि भाई जो कंपनी का मैनेजमेंट का ध्यान रखेगा। बट जनरली पता है क्या होता है, प्रमोटर अपने आप को ही फर्स्ट डायरेक्टर ये करता है, नॉमिनेट करता है। ही ऑल जनरली अपॉइंट्स हिमसेल्फ एज द फर्स्ट डायरेक्टर, सो दैट कि कंपनी बनने के बाद क्या होगा, मैनेजमेंट का चार्ज लेगा, मतलब कंपनी को मैनेज करना कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा। ओके, ये हो गया अपना प्रमोशन वाला स्टेप खत्म। प्रमोशन वाला जो स्टेप था वो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, प्रमोशन के अंदर हम लोग ने क्या क्या देखा, हम लोग ने उसका प्रमोशन का मीनिंग देखा, प्रमोटर का मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा, प्रमोटर का रोल समझा हम लोग ने, प्रमोटर का रोल क्या होता है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रमोशन, कौन से स्टेप्स प्रमोशन में आते हैं। नाउ मूविंग ऑन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेज। पहला स्टेज प्रमोशन था, सेकेंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन है। क्या है इनकॉर्पोरेशन, अभी क्या होता है, अभी जो प्रमोटर है उसने डिसाइड किया कि भाई कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट से बनाया है, प्रॉफिट कमाने के लिए कि प्रॉफिट नहीं कमाना है। ठीक है, फिर कौन से स्केल पे ऑपरेट करना है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल अकॉर्डिंगली, कितना कैपिटल लगेगा। इस सब बेसिस पे वो फिर सोचता है कि क्या मुझे पब्लिक कंपनी बनानी चाहिए या प्राइवेट कंपनी बनानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी, और कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है तो प्राइवेट कंपनी बनाना पड़ेगा। सो सर, इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स है, यस, सबसे पहले ही हैज़ टू ऑब्टेन डीएससी। फिर उस DSC को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, DSC को रजिस्टर करवाना पड़ेगा विद MCA, और फिर DIN नंबर लाना पड़ेगा, ही हैज़ टू ऑब्टेन DIN नंबर। फिर उसे कंपनी के लिए नाम रिजर्व करना पड़ेगा, फिर मऊआ और अउआ को फाइनल करना पड़ेगा, मतलब अभी हम लोगों ने प्रमोशन स्टेज पे ड्राफ्ट बनाया था, ड्राफ्ट माने रफ, अब हम उसको फाइनल करेंगे, फिर हम उस पर साइन, स्टैम्प और डेट लगवाएंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या बोला गया है, अदर डॉक्यूमेंट्स बनाने का। फिर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, वी हैव टू सिलेक्ट द एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन, देन वी हैव टू ऑब्टेन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। फिर कंपनी क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फाइल करो, डॉक्यूमेंट्स दो किसको, ROC को। देखो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए हैं वो एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा ROC को, फिर ROC आपको देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसे हम प्यार से बोलेंगे COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को हम प्यार से बोलेंगे COI। एक तो मऊआ हो गया, एक अउआ हो गया,
और एक कॉय, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर आपने सब फास्ट फास्ट पढ़ा दिया। नहीं 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 अब मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। आई विल डिस्कस वन वन पॉइंट एट अ टाइम। पहला पॉइंट क्या है? ऑप्टेन डिजिटल सिग्नेचर, DSC, ऑप्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सर ये क्या होता है? अब जो कंपनी होती है, कंपनी को बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, और जो फॉर्म भरने पड़ते हैं वो सारे फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक भरने पड़ेंगे, उसे कहते हैं ई फाइलिंग। तो ई फाइलिंग के ऊपर जो साइन लगता है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली लगेगा, वो भी डिजिटल लगेगा। तो इसीलिए जो प्रमोटर है, जो भी पर्सन उस फॉर्म पे साइन करने के लिए ऑथराइज्ड रहेगा, मतलब जिसको भी अधिकार दिया रहेगा फॉर्म पे साइन करने के लिए, उन सब पर्सन को एग्जांपल के तौर पे प्रमोटर या फर्स्ट डायरेक्टर, उनको DSC प्राप्त करनी पड़ेगी। दे विल हैव टू अप्लाई फॉर द DSC फ्रॉम द सर्टिफाइड अथॉरिटी, मतलब जिसके पास अथॉरिटी है DSC बना के देने की, उसके पास जाके प्रमोटर बोलेगा या फर्स्ट डायरेक्टर बोलेगा कि मुझे DSC बना के दो। सर ये DSC क्यों बना रहे हैं? ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक जो ई फाइल है, सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब ऑनलाइन फॉर्म पे साइन करने के लिए हमें डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो ऑथराइज पर्सन रहेगा वो क्या करेगा? वो प्रमोटर या डायरेक्टर के नाम पे DSC बना के देगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब जो DSC आपने बनाई है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपने जो पाप्त किया है, वो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा MCA के पास, ठीक है? और आपने किसके नाम पे लिया रहेगा? डायरेक्टर के नाम पे लिया रहेगा, तो उसके नाम पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सर ये MCA कौन है? MCA एक बॉडी है, मतलब एक संस्था है, जो सारी कंपनियों का पप्पा है, सारी कंपनियों का पप्पा, पेरेंट्स बोल सकते हो, ठीक है? सर क्यों ऐसा? वो सब कंपनियों पे ध्यान रखता है, उसके पास सब कंपनियों की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है? सो बेसिकली जैसे हमारे कंट्रोलर कौन है? मम्मी डैडी। वैसे ही सारे कंपनियों का जो कंट्रोलर है वो कौन है? MCA। मूविंग फॉरवर्ड, DSC आपने ऑप्टेन कर दिया किसके नाम पे? प्रमोटर या डायरेक्टर के नाम पे, तो आपको जाना पड़ेगा किसके पास? MCA के पास, और MCA के पास जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा। MCA जो है वो क्या करता है? वो मेंटेन करता है डिटेल किसका? सारे डायरेक्टर का, सारे डायरेक्टर का डिटेल उसके पास होता है, उनका डीन नंबर, उनका एड्रेस वगैरह सब उनके पास होता है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिन नंबर, अभी डिन नंबर ऑप्टेन करना पड़ेगा। क्या ऑप्टेन करना पड़ेगा? डिन नंबर। सर ये डिन नंबर क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन ये ना एक 8 डिजिट का नंबर होता है, 8 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। डायरेक्टर को, कोई भी पर्सन को किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो सबसे पहले जो ज़रूरत है वो क्या है? डिन नंबर की। अ पर्सन मस्ट रिक्वायर टू हैव डिन नंबर, ही शुड हैव डिन नंबर। डिन नंबर मतलब डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके पास होना ही चाहिए, तो ही वो किसी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। सर डायरेक्टर बनने के लिए क्या डीन चाहिए? ओके तो समझा, पर डीन कहाँ से जाने का? तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा SPICE 32 फॉर्म में। कहाँ पे? SPICE 32 नाम का एक फॉर्म होता है, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ डीन। अभी कोई भी पर्सन को अगर डायरेक्टर बनना है तो डीन तो ज़रूरी है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर अगर डिन नंबर ऑलरेडी है, सपोज किसी के पास डिन है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो क्या वापस से अप्लाई करने का? नहीं, डिन है तो अप्लाई मत करो, लेकिन अगर डिन नहीं है तो यू हैव टू अप्लाई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ नेम। अभी कंपनी, अपने कंपनी का कोई भी प्रमोटर है वो अपनी कंपनी का नाम तो रखेगा, तो नाम रखने के लिए क्या होता है? जो हमने नाम सोचा है, प्रपोज्ड नेम, उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए। किसके पास से अप्रूवल चाहिए? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर से हमको क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। हमने जो नाम सोचा है उसका अप्रूवल चाहिए सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर से। अब सर कैसे अप्रूवल लाने का? आपको जाने का MCA के पोर्टल पे, MCA का वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे जाओ, ठीक है? और आपको रन करके एक फॉर्म रहेगा, रिजर्व यूनिक नेम करके एक फॉर्म रहेगा, वो आपको फिलअप करना है और फीस देनी पड़ेगी। मतलब मैं प्रमोटर हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाऊँगा, ठीक है? उनकी वेबसाइट पे जाऊँगा और रन करके जो फॉर्म रहेगा उसको फिल करूँगा एंड एक और जो भी फीस रहेगी वो फीस पे करूँगा। अब क्या होगा उसके बाद? जो ये जो सेंट्रल रजिस्ट्री सेंटर है ना, वो चेक करेगा अपने डेटाबेस में, ही विल चेक इन द डेटाबेस और अप्रूवल देगा।
उनके डेटाबेस में जाके चेक करेगा, अप्रूवल देगा और उस नाम को रिजर्व करेगा फॉर 20 डेज। मतलब क्या आपने जो नाम चूज़ किया है, क्या वो मतलब क्या वो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, तो वो सब चेक करेगा वो, एंड फिर आपको अप्रूवल देगा, 20 अप्रूवल देगा और वो आपका नाम रिजर्व रखेगा 20 दिन के लिए रिजर्व रखेगा। सर 20 दिन बीत गए तो आपको वापस से अप्लाई करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, फाइनलाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आपको फाइनलाइज करना है। सर फाइनलाइज कैसे करेंगे, आपको दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे देने पड़ते हैं। आप जब इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें लीगल और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का रेगुलेशंस क्या है, कौन से स्केल पे ऑपरेट करने वाली है, ये सब इन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहेगा। सो जो प्रमोटर होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, वो CS या फिर CA या फिर लीगल एक्सपर्ट्स का एडवाइस लेते हैं, उनका हेल्प लेते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल को फाइनलाइज करने के लिए, ओके मऊआ और अव्वा को फाइनलाइज करने के लिए। अगर आपका जो कंपनी है ऐसा पब्लिक कंपनी है, अगर आप जो कंपनी बनाने का सोच रहे हो वो ऐसी पब्लिक कंपनी है और उसको अपने आप को लिस्ट भी करवाना है, लिस्ट माने रजिस्टर करवाना है किसके साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो आपको आपका मऊआ और अव्वा दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको इन स्टॉक एक्सचेंज को भी देना पड़ेगा फॉर रिव्यू, ताकि लोग रिव्यू करें, ठीक है। सो ये था अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाला पॉइंट। गाइज यहाँ पे ध्यान देना, इन डॉक्यूमेंट के अंदर लीगल और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, किसके बारे में, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का रेगुलेशन क्या है ऑपरेट करने के लिए वगैरह। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, साइनिंग स्टैम्प एंड डेटिंग। देखो जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहेगा और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहेगा वो साइन होना चाहिए, इट मस्ट बी साइन। सर साइन कौन करेगा, ईच सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। सर जो भी पर्सन ने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है, मतलब मेमोरेंडम पे अपना नाम डाला है, दे हैव टू साइन मऊआ एंड अव्वा, एंड उसके साथ साथ ही हैज़ टू राइट हिज नेम, डिस्क्रिप्शन अबाउट द एड्रेस, ऑक्यूपेशन। मतलब उनको अपना नाम भी लिखना पड़ेगा, अपना एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन भी लिखना पड़ेगा। ये जो साइन वाइन करेंगे उसका एक विटनेस भी लगेगा और उस विटनेस का भी सिग्नेचर लगेगा, उसका एड्रेस लगेगा और उसका नाम वगैरह सब, ऑक्यूपेशन सब कुछ लगेगा। मतलब अगर मैं एज अ प्रमोटर अगर मैं साइन मैंने अगर मेमोरेंडम को साइन किया हुआ है, ठीक है, तो मुझे अपना नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन सब देना पड़ेगा। अब मेरा जो विटनेस बनता है, जो बंदा मेरे को विटनेस कर रहा है, उसे भी अपना नाम वगैरह साइन सब करना पड़ेगा। और ये जो साइन वगैरह होता है उसको स्टैम्प भी लगेगा, और स्टैम्प एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट जो बोलता है वैसे ही आपको स्टैम्प मारना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या बोला गया यहाँ पे, कि जो स्टैम्प का जो ड्यूटी है, मतलब आप जब स्टैम्प के लिए अप्लाई करोगे ना, तो उसके लिए आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी और वो ड्यूटी डिपेंड करती है आपकी कंपनी का कितना कैपिटल है, ठीक है। अभी सर क्या मेमोरेंडम और एसोसिएशन के ऊपर और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर डेट होना चाहिए, यस डेट होना चाहिए, इट शुड बी डेटेड, उस पर डेट होनी चाहिए। सर डेट कौन सी रहेगी, जिस दिन आपने स्टैम्प मारा वो डेट या फिर स्टैम्प मारने के बाद, स्टैम्पिंग डेट या फिर डेट आफ्टर स्टैम्प, कोई भी आप डेट लिखो, स्टैम्प मारने के बाद की डेट या जिस दिन स्टैम्प मारा वो डेट, बट उसके पहले वाली डेट नहीं चलेगी। स्टैम्प ड्यूटी पे करनी, ये तो आपको समझ गया, ठीक है। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए और डेट होनी चाहिए, ठीक है। साइन किसका किसका, जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है उनका, उनके साथ उनका नाम, एड्रेस, अता पता, ऑक्यूपेशन सब लिखना पड़ेगा और विटनेस का। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है अपना, कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। तो क्या चाहिए, अदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है कि उनका एक अप्रूवल लेना, उनकी परमिशन लेना, कंसेंट, उनकी परमिशन लेना। मतलब क्या होता है, जो बंदे लोगों ने अग्री किया है डायरेक्टर बनने के लिए, जो भी पर्सन ने अग्री किया है डायरेक्टर बनने के लिए, उनके पास से एक लिखित में कंसेंट लो, उनके पास से लिखित में राइटिंग में एक कंसेंट लेटर लेने का, ओके। उनका पर्सनल डिटेल्स, उनका डीन, उनका आइडेंटिटी प्रूफ और उनका इंटरेस्ट इन द अदर कंपनी,
कोई और फर्म में या कंपनी में उनका कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का, ठीक है। और ये जो रिटर्न कंसेंट है, इट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने जो फॉर्मेट बोला है उसी फॉर्मेट होना चाहिए, ओके। इन विच केस डिटेल्स ऑफ द मैनेजर सेक्रेटरी, अब जो भी पर्सन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर नाम दिया गया है एज ए मैनेजर सेक्रेटरी, उनके पास से भी आपको क्या करना पड़ेगा, उनका भी एक लिस्ट आपको रेडी रखना पड़ेगा। जो जो पर्सन को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एज अ सेक्रेटरी या एज अ मैनेजर बताया गया है, उनका आपको एक पर्टिकुलर रेडी रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो कंसेंट लेनी पड़ेगी डायरेक्टर से, कंसेंट माने परमिशन लेनी पड़ेगी, उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन राइटिंग में लेना है। और फिर डिटेल्स ऑफ मैनेजर, फिर डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर टू MOA, मतलब हम लोग को फर्स्ट डायरेक्टर के पास से और जिन्होंने भी मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है उनके पास से डिक्लेरेशन लेना है। क्या डिक्लेरेशन लेना है, हमें ये डिक्लेरेशन लेना है उनके पास से कि वो कन्विक्टेड नहीं है ऑफ एनी ऑफेंस, ही इज़ नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब वो कोई भी ऑफेंस या मतलब उन्होंने कोई भी लॉ तोड़ा है या कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए। विद इन कनेक्शन टू प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी एंड मतलब कंपनी को फॉर्म करने के लिए या प्रमोशन करने के लिए या कंपनी को मैनेज करने करते वक्त उन्होंने कोई भी ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ऑफेंस मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग सिग्नल तोड़ते हैं तो गलती, ऑफेंस माने गलती, ठीक है। तो और दूसरा क्या उनके पास से हमें लेना है कि ही शुड नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और डिसऑनेस्टी और ब्रिज। ही शुड नॉट बी फाउंड गिल्टी, गिल्टी मतलब क्या, जिम्मेदार नहीं घोषित होना चाहिए कि भाई हाँ इसने ये गलत काम किया था, फ्रॉड किया था, डिसऑनेस्टी की थी, या ब्रिज, ब्रिज मतलब कोई भी ड्यूटी को तोड़ना, ब्रिज मतलब तोड़ना, ठीक है। इन लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल में उसने ऐसा कोई फ्रॉड डिसऑनेस्टी या ब्रिज नहीं करना चाहिए। एंड उन्होंने एक और चीज़ करना चाहिए, दे हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ROC को दिए हैं वो सब करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है। मतलब जो MOA AOA हम देने वाले हैं ROC को, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब कंप्लीट, करेक्ट और ट्रू होने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने डिक्लेरेशन देना चाहिए। डिक्लेरेशन मतलब क्या, उन्होंने एक फॉर्म पे लिख के साइन करे वो देना चाहिए। इन विच केस नेक्स्ट पॉइंट इज क्या, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अब आपने क्या करना चाहिए, अब जो प्रमोटर है, प्रमोटर देखो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अगर आपके पास जो आप जो कंपनी बनाने वाले हो, दैट इज़ प्रपोज कंपनी, ठीक है, तो आपका लोकेशन डिसाइड नहीं है, आपका लोकेशन डिसाइड नहीं है, तो प्रमोटर को अपना एड्रेस देना पड़ेगा, एक एड्रेस तो देना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए। सर कम्युनिकेशन मतलब क्या, लेटर्स वगैरह या कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक एड्रेस तो देना पड़ेगा ना। सो लेकिन कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसके 30 दिन के अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस तय हो जाना चाहिए। मतलब आपने जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है यह आपको तय कर देना चाहिए, आपको ROC को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। इन विच केस नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, ऑप्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म, स्टैट्यूटरी मतलब क्या, कानूनी, मैंडेटरी बोलो, कानूनी बोलो, जो बोलना है बोलो। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म क्या बोलता है, आपको एक एडवोकेट के पास जाके या CWA या CA, आपको एडवोकेट के पास से या CS के पास से या CWA या CA के पास से, और ये सब जो रहेंगे वो प्रैक्टिसिंग, मतलब इन्होंने CA का काम करना चाहिए, ठीक है। सो CA का काम या CS का काम प्रैक्टिस करना चाहिए, तो इन लोगों के पास से आपको जाके क्या लेना है, डिक्लेरेशन लेना है कि भाई जो भी कंपनी का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, जो भी कंपनी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे CA CS, उनके पास से आपको एक क्या लेना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म लेना पड़ेगा। और आपको AOA के अंदर जो भी पर्सन को डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी का नाम दिया गया है, ठीक है, उनके पास से भी आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेना पड़ेगा कि भाई उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट्स थे इनकॉर्पोरेशन के लेके वो सारी फॉलो की है, ठीक है। देखो वापस से रिपीट कर दो ये पॉइंट, देखो आपको एडवोकेट से, CS या फिर CA या फिर CMA, जो जो लोग कंपनी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे, और AOA के अंदर जिसको भी मैनेजर
या डायरेक्टर या सेक्रेटरी का दर्जा दिया गया है उनके पास से आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि भाई जो भी इनकॉर्पोरेशन को लेके डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे कंप्लाई किए गए। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या बोला गया है, एप्लीकेशन फाइल करो अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब आपको अभी क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को और एक एप्लीकेशन भरने का और डॉक्यूमेंट्स जो MOA AOA और ये सब हम लोगों ने जो डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह लिए हैं इन सबको क्या करना है, हमें ROC को देना है। किसको देना है, सबमिट एन एप्लीकेशन टू ROC। ROC का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना है, ठीक है, अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिस्क्राइब फीस सो दैट अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है क्या, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। जो हम स्पाइस फॉर्म की बात कर रहे थे ना, वो स्पाइस फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आपको ऑनलाइन आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो आपको ये फॉर्म भर के आपका काम फास्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर एक सिंप्लीफाइड इंटीग्रेटेड प्रोसेस है इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है, सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा INC 32, इनकॉर्पोरेशन 32 का फॉर्म भरने का, और वो भी उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स तो देने पड़ेंगे, सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सर ये फॉर्म किस लिए यूज होता है, ये जो स्पाइस है ये फॉर्म किस किस के लिए यूज होता है, हमने ऑलरेडी इसका एक यूज़ तो देख लिया है। सर क्या यूज़ था, डिन नंबर के लिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 था अपना। फिर कंपनी को रिजर्व करने के लिए भी ये फॉर्म यूज़ होता है, कंपनी का नाम जो रिजर्व करना है इसके लिए भी ये फॉर्म यूज होता है, इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी ये फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। और पैन और टैन, पैन क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, और टैन मतलब क्या, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, उसके लिए। सो इन सब के लिए ये फॉर्म यूज़ होता है, ये स्पाइस वाला फॉर्म। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ क्या बोला गया है कि स्पाइस के साथ क्या क्या देना पड़ेगा। स्पाइस के साथ आपको ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ई मतलब क्या, ऑनलाइन, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिकली देना पड़ेगा, ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो ज़रूरत होती है वो देनी पड़ेगी। सिर्फ फॉर्म, सिर्फ स्पाइस 32 फॉर्म नहीं चलेगा, आपको उसके साथ EMOA, EAOA देना पड़ेगा, फीस तो पे करनी पड़ेगी। अब लास्ट में क्या होगा, आपने अप्लाई कर दिया किसको, ROC को। अब ROC क्या करेगा, ROC आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा एंड क्यों सही है कि नहीं। फिर ROC आपका नाम किस में डालेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी में, ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विल पुट योर नेम इनटू द रजिस्टर ऑफ कंपनी। कंपनीज का एक रजिस्टर होता है, उसमें वो आपका नाम डाल देगा। देखो ये रजिस्ट्रार है, ये वो पर्सन है जिसको MCA ने अपॉइंट किया है, ओके, एंड वो सर्टिफाई करेगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, और वो आपको क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज COI, COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, ये एज इट इज़ बर्थ सर्टिफिकेट है, क्या ये बर्थ सर्टिफिकेट, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ, कंपनी का नाम, कौन से डेट पे इशू किया वो, कंपनी का CIN, कंपनी का CIN मतलब क्या, CIN का मतलब होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर या कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। पैन एंड टैन के बारे में रहेगा, सिग्नेचर ऑफ द रजिस्ट्रार, जिस रजिस्ट्रार ने आपको सर्टिफिकेट दिया है वो उसका सिग्नेचर रहेगा, उसका डेट रहेगा, और सील माने स्टैंप थम्पा रहेगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के, क्या रहेगा, कंपनी का नाम रहेगा, ठीक है, फिर कौन से डेट पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, फिर क्या बोला गया है, डेट इनकॉर्पोरेट हुई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से दिन पे इशू किया है, फिर सिन सर्टिफिकेट कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन एंड टैन एंड सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द डेट एंड सील। सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जरूरत क्यों है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि देखो इट इज़ लाइक द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी, और कंपनी जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से मालूम पड़ता है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है, कौन से दिन से जो डेट सर्टिफिकेट में मेंशन की गई रहेगी उस दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है,
फिर कंपनी क्या बन जाती है, लीगल पर्सन, लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स, मेंबर्स अलग कंपनी अलग। फिर कंपनी क्या बन जाती है, बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब अब कंपनी में कोई भी मेंबर मरे या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, कंपनी को इफेक्ट नहीं करेगा, कंपनी चलती जाएगी। इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी कैन सू एंड कैन बी सूड, मतलब कंपनी अपने नाम पे किसी और के अगेंस्ट केस कर सकती है, मतलब कंपनी कैन सू समवन, ओके, एंड कंपनी के खिलाफ भी कोई केस कर सकता है। यहाँ पे कंपनी करेगी, यहाँ पे कोई दूसरा करेगा, ओके, मतलब आई कैन ऑल्सो सू द कंपनी एंड कंपनी कैन ऑल्सो सू मी ऑन इट्स नेम, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही। तो ये था अपना सेकेंड स्टेज, दैट इज इनकॉर्पोरेशन वाला। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज व्हाट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट है, अलॉटमेंट ऑफ सिन, सिन मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर क्या होता है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है ना, जब ROC क्या देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो उसके साथ साथ वो क्या देता है, सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देता है वो, ठीक है। ये एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है और ये 21 डिजिट वाला होता है, 21 डिजिट अल्फा न्यूमरिक, मतलब नंबर्स भी रहेंगे और अल्फाबेट्स भी रहेंगे, और कंपनी को ये अपने हर डॉक्यूमेंट में ये नंबर डालना पड़ेगा। कंपनी अपना जो भी डॉक्यूमेंट इशू करती है, कोई भी लेटर या कोई भी करस्पॉन्डेंस, ठीक है, तो उस लेटर में कंपनी हैज़ टू स्टेट इट्स सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देना पड़ेगा। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब क्या होता है, थर्ड स्टेज है, पहला स्टेज था प्रमोशन, फिर था इनकॉर्पोरेशन, एंड नाउ इज कमेंसमेंट। अब कमेंसमेंट, अगर कोई भी कंपनी शेयर कैपिटल नहीं है, कोई भी कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, शेयर कैपिटल नहीं है, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है इमीडिएटली आफ्टर कॉय, जब उसको कॉय मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, उसके बाद इट कैन स्टार्ट इट बिजनेस इमीडिएटली। बट कौन सी कंपनी, जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है, बट कोई भी पब्लिक कंपनी या कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है, ठीक है, और जो इनकॉर्पोरेट हुई है कभी, सेकेंड नवंबर 2018 के बाद, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, शेयर कैपिटल है एंड इनकॉर्पोरेट कब हुई है, सेकेंड नवंबर 2018, ठीक है, के बाद अगर हुई है, तो दे हैव टू कंपल्सरीली ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ COCB, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, दे हैव टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, बिफोर इट कैन कमेंस इज बिजनेस, समझा आपको, मतलब सर कोई भी पब्लिक कंपनी या कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है एंड वो इनकॉर्पोरेट हुई है कभी सेकेंड नवंबर 2018 के बाद, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो लगेगा ही, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ेगा ROC के पास जाके, ओके। लेकिन सर अगर शेयर कैपिटल नहीं है, तो शेयर कैपिटल नहीं है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज कॉय मिल गया, बिजनेस चालू कर दो। अब इसमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट को ऑब्टेन करने के लिए, क्या क्या स्टेप्स है, पहले आपको एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा डायरेक्टर के पास से, यू हैव टू टेक अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द डायरेक्टर। क्या डिक्लेरेशन है कि भाई आपको एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द डायरेक्टर, और किसको देना पड़ेगा, ROC को, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। और डिक्लेरेशन में क्या लिखा रहेगा कि भाई जो जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम के, जिसने भी मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है, एंड उसमें जो बोला है कि हम लोग इतने नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, जिन्होंने भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है और बोला गया था कि हम इतने शेयर्स लेंगे, तो वो पैसा मिल गया है या नहीं मिला। देखो, द डिक्लेरेशन स्टेट्स दैट एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैज पेड, जिसने भी मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है, उन्होंने पे कर दिया है वैल्यू ऑफ द शेयर्स अग्रीड टू बी टेकन, जो उन्होंने वादा किया था कि हम इतने शेयर्स लेंगे,
उतने शेयर्स का पैसा मिल गया है, इसका एक आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और जो कंटेंट्स है वो वेरीफाई करना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी के पास या CA के पास या कॉस्ट अकाउंटेंट। मतलब ये जो डिक्लेरेशन रहेगा, मतलब बेसिकली जो प्रमोटर रहेंगे, ठीक है, या डायरेक्टर है, दे हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन कि भाई जो 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 लोग ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे सब्सक्राइब किया था उन्होंने जितने शेयर्स लेने का वादा किया था उतना पैसा दे दिया है, ठीक है। और ये जो डिक्लेरेशन रहेगा इसके ऊपर हमें वेरीफिकेशन चाहिए इस किसका, CA, CS या फिर CWA इन प्रैक्टिस। इन प्रैक्टिस मतलब दे शुड नॉट बी डूइंग जॉब, दे शुड डू देयर ओन बिजनेस। CA, CS ने CA और CS वाला काम करना चाहिए, ठीक है, ओके। वेरीफिकेशन फाइल वेरीफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अब क्या होता है, कंपनी हैज़ टू ऑल्सो फाइल वेरीफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद द ROC। मतलब उनका हेड ऑफिस कहाँ पे है उसका एक वेरीफिकेशन। मतलब आप एक काम कर दो, इलेक्ट्रिक बिल का कॉपी दे दो ROC को कि हमारा जो ऑफिस है वो यहाँ पे है और ये रहा उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो यू हैव टू गिव अ प्रूफ ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस किसको देना है, ROC को। अभी आपको लाइसेंस या अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द सेक्टोरियल रेगुलेटर। यू हैव टू ऑब्टेन द लाइसेंस फ्रॉम द सेक्टोरियल रेगुलेटर। सर सेक्टोरियल मतलब, अब देखो फॉर एग्जांपल आपको बैंक का बिजनेस करना है तो बैंक कौन से सेक्टर में आती है, बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर का हेड कौन है, कौन रेगुलेट करता है, RBI। तो इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ बैंक यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द RBI। अगर आपको आपकी कंपनी को लिस्ट करना है स्टॉक एक्सचेंज पे तो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, SEBI। तो आपको SEBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेट मी रीड फॉर यू। कोई कोई कंपनी, सर्टन कंपनीज विच प्रपोज टू कंडक्ट बैंकिंग बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस, ओके, प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेक्टोरियल रेगुलेटर्स लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SEBI, ठीक है। सच कंपनीज मस्ट ऑब्टेन ROC अप्रूवल। ROC के बाद से उनको सेक्टोरियल हेड रेगुलेटर मतलब जैसे कि RBI या SEBI के पास से अप्रूवल लेके किसको सबमिट करने का, ROC को सबमिट करना पड़ेगा, ROC को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप जो भी सेक्टर में बिजनेस करने का आपने सोचा है उस सेक्टर का जो रेगुलेटर है मतलब जो हेड है उसके पास से अप्रूवल लेके आओ और किसको, ROC को देने का। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या बोला गया यहाँ पे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अभी आपने डिक्लेरेशन दे दिया इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। प्रिस्क्राइब मतलब जो कहा गया फॉर्म है, ठीक है, जो फॉर्म होता है उसमें ही आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो ROC आपको क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो आपको देगा। अब पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, देखो ऑब्वियसली शेयर कैपिटल नहीं रहेगा तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो लेगा ही नहीं, ठीक है। तो जिनके पास शेयर कैपिटल है वो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है या फिर वो अभी बिजनेस के लिए पैसा कलेक्ट कर सकती है बाय इशूइंग द शेयर्स। पब्लिक कंपनी क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या, देखो जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, शेयर इशू करती है। तो शेयर्स इशू करने के पहले वो एक क्या करती है, इनविटेशन एडवर्टाइजमेंट इशू करती है। एडवर्टाइजमेंट किस में करेगी, पेपर में, ठीक है। मतलब एक पैम्पलेट वगैरह होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया रहेगा तब आपको कॉलेज वालों ने एक प्रोस्पेक्टस दिया रहेगा, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कॉलेज की पूरी जानकारी होती है। तो वैसे ही पब्लिक कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इज ए इन्विटेशन टू पब्लिक। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, वो एक इन्विटेशन है पब्लिक को कि आओ हमारे शेयर्स लो, आओ हमारे शेयर्स लो, ठीक है। सो नाउ कितने स्टेप्स थे, चार स्टेप्स थे। अपना चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। देखो सबसे स्टार्टिंग्स में आपको एक बार पूरा रिकैप दे देता हूँ। स्टार्टिंग से हम लोगों ने फर्स्ट क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है बरोबर कि नहीं, फिर एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, रजिस्टर करते हैं, प्रोसेस फॉलो करके कंपनीज एक्ट का, फिर उसमें लिखा था एक और पॉइंट कि कंपनी जो होती है अपनी उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जब आप उस जिस स्टेट में आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हो उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हो तब कंपनी फॉर्म होती है। फिर हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोटर कितनी कंपनियां होती है,
ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कितनी टाइप की कंपनियाँ होती है। फिर हमने देखा था कि फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस कितनी है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। देखो यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए कौन से कंडीशंस थे, लॉफुल था, मिनिमम ये मिनिमम प्रमोटर का रिक्वायरमेंट बताया गया था, प्रमोटर ने सबने साइन करना चाहिए MOA को, और उन्होंने एक जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रोविजंस है, उनको कंप्लाई करना चाहिए। फिर हमने प्रमोशन पढ़ा था, प्रमोशन का मतलब जाना, ठीक है। फिर हमने प्रमोटर जाना, प्रमोटर का मतलब जाना, उनका डेफिनेशन जाना, एंड देन उनका रोल समझा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, प्रमोशन का स्टेप्स, प्रमोशन के कितने स्टेप्स थे, पहले आइडिया लेके आना, बिजनेस में आइडिया लेके आना, फिर फाइनेंशियल प्लान बनाना, फिर MOA और AOA को ड्राफ्ट करना, फिर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना। देन हम लोगों ने देखा कि भाई इनकॉर्पोरेशन वाला स्टेप्स, DSC, सबसे पहले तो DSC अप्लाई करना, फिर DSC को रजिस्टर करवाना MCA के पास, डीन नंबर के लिए अप्लाई करना, फिर नाम रिजर्व करवाना, फाइनलाइज MOA AOA, फिर स्टैम्प वाला पॉइंट था, फिर अदर जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे उसमें कंसेंट लेना, मैनेजर्स का अपॉइंट था, है कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में हम लोग को डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। फिर और एक पॉइंट था उसमें कि हमें इनके पास से डिक्लेरेशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन लेना पड़ता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करो ROC को। फिर हम लोगों ने स्पाइस का मतलब समझा, स्पाइस वाला पॉइंट समझा। देन हम लोगों ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन समझा, उसके कंटेंट्स देखे, एंड देन हम लोगों ने ये देखा कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों ज़रूरी है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर SIN नंबर के बारे में जाना। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये चैप्टर कहाँ पे ख़त्म हुआ, कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। क्या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किसके लिए ज़रूरी है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नहीं है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन काफ़ी है, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने उसके स्टेप्स समझे और वहाँ पे चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 3 इज़ ओवर। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। एनी डाउट्स तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। इफ़ यू रियली अंडरस्टूड फ्रॉम दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके। प्लीज़ ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू।